नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्या देश का विभाजन नेहरू की गलती थी, क्या कश्मीर समस्या भी नेहरू की देन है, इसी बड़ी खबर पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। इस चर्चा को बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर आज संसद में क्या कुछ हुआ। दरअसल लोकसभा में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परिवारों को आरक्षण देने के प्रस्ताव संबंधी बिलों पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच गृहमंत्री ने सवाल किया कि धर्म के आधार पर देश के विभाजन की गलती की, देश का विभाजन हमने नहीं किया, तब नेहरू ने सीज फायर किया था, कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान आपने दिया, उस भूल की सजा लोग भुगत रहे हैं। सुनिए अमित शाह का पूरा बयान, आखिर अमित शाह ने क्या कहा। जब इतिहास की बात करते हैं, मैं उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्त रंजित हो गया, विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता हम, तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हैं विभाजन का, किसने किया विभाजन, किसने किया, हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना, हम आज भी कहते हैं। ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है, वो गलती मगर हमने नहीं की है, गलती हमने नहीं की है, गलती आपने की है, आपकी पार्टी ने, और इतिहास से आप भाग नहीं सकते। हमें इतिहास की दुआई दे, एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है, किसके कारण नहीं है भी? किसके कारण नहीं? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया, खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे, किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर करकर वो हिस्सा पाकिस्तान, हमें इतिहास सिखा दें। नेहरू का नाम लेने पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालातों से ध्यान भटकाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब देने की जगह जो आज की जम्मू कश्मीर की परिस्थिति के लिए बहुत ही रेलेवेंट है और कॉन्टेक्स्चुअल है, गृहमंत्री ने बात को घुमाने की कोशिश की। एनडीए भाजपा की ये आदत है, आदत से मजबूर है कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए वो इतिहास को और उनके अलावा हर और व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहते हैं। कांग्रेस पर यह थी शाह की नेहरू मिसाइल, जिसको लेकर कांग्रेस तिलमिला गई है, कांग्रेस आग बबूला हो रही है। और इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार और प्रसार के दौरान भी आपने देखा होगा कि बीजेपी लगातार नेहरू और कांग्रेस को कोसती रही। आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस कि आखिर क्या नेहरू वाकई कश्मीर के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, मेरे साथ सैयद बाबर कादरी साहब जो कि जम्मू कश्मीर से जस्टिस पार्टी के वो जुड़ेंगे स्काइप से, मेरे साथ कमोडोर डीएस सोढ़ी जुड़ेंगे जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जो कि खुद एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और कश्मीर मामलों के जानकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अनुराग पुनेठा। सबसे पहला सवाल सुदेश, मैं ये समझता हूं कि आप ही से पूछा जाना चाहिए, चीख पुकार आप ही लोगों ने मचाई है कि नेहरू ने कश्मीर को बांट दिया। देखिए, जब भी इतिहास आकलन करेगा और ये बात रिपीट होगी जब भी कोई इस मुद्दे को उठाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या रहा भारत को बांटने में, और आपको पता है कि
जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो आपके दर्शकों को याद होगा कि 14 में से 13 पीसीसी ने सरदार पटेल के लिए वोट किया था और सिर्फ एक ने, वो भी रिजर्वेशन दिया था नेहरू जी के लिए, और नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि नेहरू जी का ऐसा प्रभाव था कुछ लोगों पर, गांधी जी पर भी, और इसलिए कि पता था लोगों को कि जो अध्यक्ष बनेगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो गलतियां तो वहां से शुरू हुई, और निश्चित ही नेहरू जी की जो सोच थी उसी सोच के कारण जो आज हमारे माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा है, उसी सोच का नतीजा था कि आपने सेना को जाने नहीं दिया, वहीं पर आपने एलओसी पर सीज फायर करा दिया, जो कि जननी है जम्मू और कश्मीर की। आर्टिकल 370 आप दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए थे, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हर स्टेट ने साइन किया था, लेकिन आपने अपना बड़ा हृदय दिखाने के लिए और भारत की इंटीग्रिटी के बारे में नहीं सोचकर आपने दिया। क्या 370 ने सोल्यूशन दिया? जिसको भी आपने टेम्पररी रिप्रीव माना था, क्या उसने सोल्यूशन दिया? नहीं दिया। तो जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी, वहां समस्याओं की बात होगी, नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन है इसको बढ़ाने में, उस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। और तो और, यहां तक कि आज भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होता परमानेंट, नेहरू जी का ये कंट्रीब्यूशन था कि चाइना को उन्होंने दे दिया। जिस मसले को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ है, हम सीधे चलते हैं सैयद बाबर कादरी साहब के पास, जो कि अध्यक्ष हैं जस्टिस पार्टी के। सैयद बाबर कादरी साहब, क्या कश्मीर के साथ न्याय होता दिख रहा है आपको, या अन्याय हुआ था इसलिए अब न्याय की बात सामने आ रही है? देखिए, पहले मैं ये बताता चलूं कि जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था और जिस पे आज होम मिनिस्टर ने बात की है, तो हम ये समझते हैं कि ये एक सान्निहा था, ये एक ट्रेजेडी थी, ह्यूमन ट्रेजेडी थी, नहीं होना चाहिए था। और चूंकि ये एक माइंडसेट है, किसी एक पार्टी को हम इल्जाम नहीं देंगे, एक माइंडसेट था उस वक्त भी जिसने इसको होने दिया। अब मसला ये है कि जो आज अब अमित शाह जी या उनकी जो सरकार है वो इसको उछाल रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेवारी नेहरू जी पे लगा रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, जो उन्होंने इस मुल्क में आज हालात बना रखे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जो अभी उनकी जो एक उनका जो भरपूर एक एजेंडा है, तो लिंचिंग हो रही है, उनको पुष्टवॉल किया जा रहा है, उनको आज की हाल डेट में ये कहा जा रहा है कि आपने तो लाखों लोगों को लिंच कर दिया जब उन्होंने पाकिस्तान में ले जाए, उसकी बात कर रहे हैं आज? तो अमित शाह जी ये प्रूव कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? राइट थी, आपने तो लोगों को भगा दिया। पहले सुने मिस्टर कादरी, जहां जिस कश्मीर के अलावा कहीं और न बटके, कर रहे हैं कादरी साहब, हम कश्मीर के अलावा कहीं और न बटके। देखें, इस सारे विभाजन का जो टू नेशन थ्योरी है, जिसको आज प्रूव कर रही है हिंदुस्तान की सरकार, इसका सारा नजर हम जम्मू कश्मीरियों पे यू नो गिर रहा है। यादव, आप भारत का फिर से विभाजन चाहते हैं? मैं कुछ कहना, भारत का फिर से विभाजन चाहते हैं? सुनिए, नेशन थ्योरी हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये नेहरू का दोस्त था, जिन्ना का दोस्त था, नेशन थ्योरी आपको इतिहास नहीं पता है? हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जनरल सिन्हा कुछ कह रहा था, कादरी चुप हो जाओ। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सब समस्या का यार किस पॉइंट है? आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, इसको चुप कर, इसका वॉइस म्यूट करो। कादरी साहब जरा सुन लेते हैं जनरल सिन्हा क्या कह रहे हैं। ऐसा है, नहीं, इनको तमीज के दायरे में बोले, कश्मीर की सब समस्या का जड़ जवाहरलाल नेहरू है। मैं बताता हूँ क्यों, जब हमारे ट्रुप्स एडवांस कर रहे थे उनको क्यों रोका गया? हम इतनी तेजी से फौज आगे मूव कर रही थी, हम वापस मैक्सिमम पाकिस्तान का प्रॉपर्टी ले लेते, क्यों नहीं, क्यों रोका गया? क्यों यूनाइटेड नेशंस को प्लेबिसाइड के लिए रेफरेंस दिया गया? क्यों 1/3 पीओके पाकिस्तान, 1/3 कश्मीर चला गया हमारे हाथ से? क्यों 370 दिया गया? क्यों 35A गया? 35A तो पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुआ, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने ऑर्डिनेंस के रूप में साइन किया था, वो तो इलीगल है, उसका तो कोई कानूनी स्टेटस है ही नहीं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि नेहरू को एक स्टेट दिया गया था सॉर्ट आउट करने के लिए, उसमें लिड कर दिया, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को बाकी सब हैदराबाद, यदि पटेल साहब नहीं होते तो हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गया होता।
शेख अब्दुल्ला को प्लीज करने के लिए मुस्लिम अपीजमेंट का पॉलिसी के तहत नेहरू ने देश को बर्बाद किया। जनाब कादरी साहब, जनरल सिन्हा, मैं एक बात आपसे कहूं। बादशाह जहांगीर कहा करते थे कि एक अगर अच्छे मुसलमान की तरह आप अगर कश्मीर में रहेंगे तो आपको दो स्वर्ग नसीब होंगे। आपको लगता है कि वो दो स्वर्ग आपको मिल पाए? अरे काहे का स्वर्ग, स्वर्ग था। पर्शियन में कहते हैं कि बर्रु जमीनस थमीनस थमीनस थमीनस, यदि धरती पे कोई स्वर्ग है तो ये है। ये स्वर्ग को पाकिस्तान ने और ये कादरी ऐसे लोगों ने नरक बना दिया है। कादरी ऐसे लोगों ने और पाकिस्तान के चुच्चे लोगों ने इस स्वर्ग को नरक बना दिया है। वहाँ शिव और हमारे धर्म जहन्नम बना दिया। कादरी साहब, बात हो रही है, आप न्याय पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी का नाम जस्टिस पार्टी तभी है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ की ही बात हो रही है ना। उस समय ना इंसाफ हुई, और अगर आज सरकार इंसाफ करना चाह रही है तो क्या बुराई है? पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हो, राजद्रोह करते हो, पाकिस्तान का झंडा फहराते हो, पाकिस्तान का झंडा फहराते हो, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो। अभी डिबेट की है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर आप जस्टिस की बात करते हो, मैंने आपसे कई बार बोला है, पार्टी का नाम मैं भी कश्मीरी हूँ। देखिए, आप जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस तब आएगा जब कश्मीर में जो मिलिटेंसी है खत्म होगी, जब टेररिज्म खत्म होगी तो तभी जस्टिस आएगा। आज अगर गवर्नमेंट कोई भी, देखिए सुनिए कादरी साहब, मैंने आपसे पहले भी बहुत डिबेट किया और मैंने आप एक ही बात कही है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं भी दर्द समझता हूं, लेकिन एक बात सुनिए, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद जो है ये कश्मीर आता रहेगा। और दूसरी बात यह है, कश्मीर के लोग जो है, सुनिए, हर कश्मीरी आतंकी नहीं है, हर कश्मीरी मिलिटेंट नहीं है, लेकिन जब तक मिलिटेंसी रहेगी, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी मरते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। जी दीजिए, इसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। दीजिए, देखें, जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की आवाम के इनके रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, तब तक ना पाकिस्तान आपकी यही सोच भारत के साथ अन्याय कर रही है, हिंदुस्तान के साथ अन्याय कर रही है। कादरी साहब, हम सफर कर रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट ने क्या करना है वो गवर्नमेंट को मालूम है। हिंदुस्तान के पास आधा हिस्सा है, पाकिस्तान के पास आधा हिस्सा है। आधा नहीं, अरे बंदा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। कादरी साहब, कम से कम नक्शे को तो देख लीजिए। एक और बात, में हिस्सा हमारा है जिसको कब्जा किया हुआ है। नक्शा आप देखें गूगल का, नक्शा आप देखें किसी भी, जल सिन्हा वो कह रहे हैं नक्शा देखने की बात कर रहे हैं। नक्शा मैं बताता हूँ, एक यूनिट, मिस्टर कादरी चुप हो जाओ, लखनऊ चुप हो जाओ यार, बल्तिस्तान तक। अरे खाली बोलते रहते हो, दूसरे को बोलने दो, पहले खांस लो ठीक से। ऐसा है, शुक्रिया। थैंक यू। ऐसा है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बोलने जा रहा हूं। कश्मीर का पॉपुलेशन है 53 लाख, जम्मू का है 69 लाख, लद्दाख है 5 लाख, और स्टेट का टोटल एरिया कश्मीर के पास है 16%, जम्मू के पास है 25%, और लद्दाख का है 59%। अब ये बताइए, न पॉपुलेशन के आधार पे, न भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कश्मीर आगे है, तो 47 सीट नेहरू ने क्यों दिया? इसका मतलब 47 दिया और जम्मू लद्दाख को मिला के खाली 43 दिया, 43 दिया। इसका मतलब है जम्मू और कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। ये किस तरह की नेहरू की? आपको क्या चुप रहो तुम, खाली ऐसा है, ये खाली मुसलमानों को तुष्टिकरण। नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप हमको थाली में परोस के दिया गया था, मना कर दिया। एनएसजी की सदस्यता, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ सब बर्बादी का कारण है जवाहरलाल नेहरू मौजूद हैं।
अनुराग, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो मिशन दिखाई दे रहा है, सत्ता में आते ही, सरकार में आते ही अमित शाह ने सबसे पहला काम गृह प्रवेश के बाद जो किया गृहमंत्री के रूप में, सबसे पहले कश्मीर पर बैठक ली? देखिए, अपने आप में बहुत ही पॉलिटिकली सजेशियस मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है, जो कि हिंदुस्तान की दुखती रग है। अगर आप देखें तो भाजपा का ये एजेंडा है या नहीं है, वो सत्ता में आए या सत्ता से पहले जब बाहर थे तब इसको भुनाते रहे थे, ये एक राजनीतिक बयानबाजी है। राजनीतिक पार्टी और राजनीति करेंगे। अगर कांग्रेस ने इन 70 सालों में मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करी है तो भाजपा ने दूसरी राह चुनी है। लेकिन कश्मीर में खासकर 370 का एक ऐसा कंटेशियस इशू है जो कि हर हिंदुस्तानी को यह सालता है, हिंदुस्तानी को परेशान करता है कि स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया। सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुस्लिम जो प्रेजेंस है, जो डोमिनेंस है, वो बनी रहे, मुस्लिम आइडेंटिटी बनी रहे। जो फिर कश्मीरियत की बात करेंगे, कश्मीर में आप 3 पार्टी को कर रहे हैं, अभी कादरी साहब बात कर रहे थे, ये अपने आप में इतनी बड़ी डायक्टोमी है कि आप उधर मुस्लिम डोमिनेंस को बनाकर रखना चाहते हैं लेकिन आप हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों को नहीं सोचते कि उस पर इसका क्या कास्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, और वो उधर सोचेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक पत्रकार के तौर पर यह भी मानता हूं कि यह सिर्फ संसद में बयानबाजी देकर वाहवाही करना या 370 को हटाने की दिशा में कदम उठाने से ज्यादा जरूरी भारत सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि वहां जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और इसका फायदा वहां पर जितने सेपरेटिस्ट हैं उठाएंगे, पाकिस्तान उठाएगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, यह कहेगा कि देखिए भारत की और भाजपा सरकार वहां पर मुस्लिम के खिलाफ काम कर रही है और ये मुस्लिम को कहीं ना कहीं बरगलाएंगे। ये बड़ी चुनौती होगी। अनुराग, एक चीज है, प्रचंड बहुमत और जनादेश के साथ सरकार है। सरकार पाकिस्तान क्या बोला गया, इससे घबराने की सरकार को जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा और नीयत साफ दिख रही है। मैं सुदेश से पूछता हूं, सुदेश, आपने 35-1 की बात की है, 35-1 कितने जल्दी अमल में लाएंगे आप? पहले मैं अनुराग जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने हमें उसी ब्रश से हाक दिया जिस ब्रश से इन्होंने उन पार्टी को वहां का जो माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं। हम मेजोरिटी मैं उसमें नहीं हाक रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर होगी। 2016 में जब बुरहान वानी की का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जिस तरह से वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ा, वहां पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ये बोलती हैं कि वहां पर बढ़ती मस्जिदों और वहां से आने वाले बयानों और वहां पर जो इस्लामीकरण हो रहा, ISIS के झंडे दिख रहे हैं साहब, आपको वो रोकना होगा, वो जमीन स्तर पर रोकना होगा। अनुराग, अगर वो रोकने जाते हैं तो वो अतिवाद का नाम ले लिया जाता है। मनीष जी, हम मेजोरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम कंट्री सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तभी आपने मुसलमानों का ये हाल कर दिया। मुसलमान सिटीजन जैसा सोचने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मुसलमान सोचते क्यों? मुसलमान सोचते क्यों अपने आप को? भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक की तरह बात करो, मुसलमान की तरह बात करो तो नहीं बात करेंगे। ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की। आप पूरा करें क्योंकि ये अहम मसला है जिस पर आप जवाब दें, थोड़ा सा सुन लें, ये पार्टी का रुख बताएं। अगर उनकी बात को वो सुन लेंगे हमारी बात को, तो शायद आपको बहुत चीज स्पष्ट हो जाए, फिर आप रिएक्ट करिए। हम लोग नागरिक केंद्रित राजनीति की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, विश्वास। अब देखिए, इसमें मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, तो आप सकता है आप, कि बात न कहें, आप कहें कि मुसलमान नहीं होगा। वो भी नहीं, अगर मुसलमान मुसलमान की तरह हमारे पास आता है तो दिक्कत होगा। मुसलमान अगर भारत की तरह आता है, कादरी साहब धीरज रखिए, सुदेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप मुसलमान की तरह आते हैं तो हम मजहबी राजनीति नहीं करते, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर आप सिटीजन की तरह आते हैं तो जो भी आपकी जरूरतें हैं सरकार को मुहैया कराना चाहिए, यही मोदी जी की पॉलिसी है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, हम हर वो प्रयास करेंगे कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो। पाकिस्तान का हम वजूद मानते ही नहीं कश्मीर पर, क्या लोकल सिस्टेंट है ये पाकिस्तान का, बहुत हो गया। हम टेररिज्म से डील कर सकते हैं, चाहे वो होम ग्रोन हो, चाहे वो आउटसाइड सपोर्टेड हो, और हमारी सेना बहुत सक्षम है। प्रधानमंत्री ने बता दिया, उन्होंने नजर तक नहीं दी। बिल्कुल, आप पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहिए, बहुत पानी बह चुका है झेलम नदी में, अब नई शुरुआत करने की आवश्यकता है, जो अमित शाह ने कर दिया। आपने देखा कि एक बॉयकॉट तक नहीं हुआ, और इस बार का अमरनाथ यात्रा हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं भी बड़ा हैरान, नई सोच के साथ बढ़ रहे हैं। जबकि अभी होम मिनिस्टर साहब गए थे वहां पे कश्मीर में, ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई हड़ताल नहीं हुई। एक्चुअली आई एम सरप्राइज। दूसरा, काले झंडे भी नहीं दिखे। जी जी, और दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा कि गवर्नमेंट, मेरे को लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिकल 35A की बात कीजिए आप, 370 की बात कीजिए, ये जो मसला है इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? अगर मिलजुल के हो जाए। आपसे मैं चाहूंगा कि आप बताएं कितने जल्दी। नहीं नहीं जी, मैं एक इश्यू और कहना चाहता हूं। देखिए, जो लोग शहादतें देती हैं उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आपने बीजेपी की यहाँ पे मेरे दोस्त है, इसका जवाब देना चाहूं। जी जी, कि अभी हमने अनाउंस किया है कि मार्टियस जो है, मे बी एक
मिलिट्री का आदमी हूँ, मैं इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1947 में जो मार्टियर्स हुए हैं बारामूला में, जो हिंदू सिख या मुसलमान जो मार्टियर्स हैं, उनका भी तो कोई मेमोरियल बनाइए ताकि लोगों को पता चले कि जो जम्मू और कश्मीर है ये कैसे इंटीग्रेट हुआ हिंदुस्तान के साथ। लेकिन कमोडोर सोडी, केवल मेमोरियल बलान लेने से आपको लगता है ये समस्या का हल होगा? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब इसलिए है कि जब आप ऐसी चीजें बनाते हैं तो जब लोग जाके देखते हैं, हमको ये महसूस होता है ये हमारा भारत का अंग है और लोगों ने इसमें बहुत शादी दी है। जब तक हम लोग समस्या के जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। समस्या पेरिफेरल इशू को, पेरिफेरल इशू को पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा है। सुनिए, जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे समस्या का, मेरे ख्याल से जड़े काटने की शुरुआत कर दी गई है। एकदम देखिए उदेश, आप कुछ कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कश्मीर में कि धर्म एक बहुत बड़ा समस्या है, धर्म बहुत बड़ा समस्या है। हमारे पास समय कम है। आपने 35वीं की बात की मनीष जी, पूरा देश ये जानना चाहेगा कि क्यों एक नेता वहां का एक ब्रिटिश सिटीजन से शादी करता है और उस सिटीजन को, महिला को सारे अधिकार मिल जाते हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक जम्मू एंड कश्मीर की बहन अगर बाहर शादी करती है जम्मू एंड कश्मीर से तो उसके सारे अधिकार चले जाते हैं। सुदेश, 35 बाबर कादरी आखिरी 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, कार्यक्रम खत्म होने वाला है। आप जो न्याय पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, भारत की सरजमी पर रहकर आप पाकिस्तान का गुणगान नहीं गा सकते। पहले तो महिलाओं को न्याय दे दीजिए, वहां जम्मू एंड कश्मीर की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे दीजिए, न्याय पार्टी तब चलाइएगा। मेरे 10 सेकंड चले गए। नहीं, बोलिए आप। देखें, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की अवाम के बीच में जो तनाजा है तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हिंदुस्तान और कश्मीर अलग नहीं है। ये बात होने वाले नहीं है, मेरे पास टाइम कम है। इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक फेडरेशन बने, इससे साल बने, इससे एक 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 यूरोपियन यूनियन करो, ढोल बजाओ पाकिस्तान का, बजाओ ढोल कादरी, नफरत में रहे। ठीक है, बाबर कादरी, आपकी सोच, आपके विचार पता चल गए और दर्शकों ने भी सुन लिया। इस बड़ी बहस में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहांगीर बादशाह जो सोचते थे, अगर वाकई आज वो साकार हो जाए कि अगर एक अच्छा मुसलमान कश्मीर में रहने वाला भारत की सरजमी पर रहकर भारत का गुणगान करे तो वाकई वो कश्मीर दो स्वर्ग उनको दे सकता है, लेकिन इसी जमीन पर रहकर पाकिस्तान का गुणगान गाने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। 30 जून को पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल में पहली बार मन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेंगलुरु के एक प्रोफेसर की रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिटायर्ड प्रोफेसर घोष का दावा है कि पीएम मोदी मन की बात में जिस किसी का भी नाम लेते हैं, गूगल पर उसको सर्च करने वालों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ जाती है। रिसर्च में दावा किया गया है कि ऐसे शख्स की गूगल पर सर्च 5000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोफेसर घोष के मुताबिक मन की बात कार्यक्रम ने देश को एक नई दिशा दी है।